अलंकारों का रियाज किस लय में करना चाहिए? क्या वो सा रे ग म ध नि सा सा नि ध म ग नि सा ये लय है, या फिर सा रे ग म प ये लय है, या फिर सा रे ये लय है, या इनमें से ही कोई अलग लय है? आइए जानते हैं इसी बात पर। पूरा टॉपिक देखिए, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है वो लय जिसमें हमें अलंकारों का रियाज करना चाहिए ताकि स्वर हमारे गले में बैठे, दिमाग में बैठे और हम बेहतरीन गा सकें। पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैनपुरी म्यूजिक स्कूल, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहते हैं पंडित अवध किशोर पांडे, SPW के फाउंडर डायरेक्टर से म्यूजिक सीखना, उनके पास बैठकर क्लास लेना, तो अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर और जानिए कि क्या है एडमिशन प्रोसेस। व्हाट्सएप क्लास भी अवेलेबल है। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करो, मैं नशे में हूँ। आइए जानते हैं कि कौन सी वो लय है जिसमें हमें अलंकारों का रियाज करना चाहिए। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने दिया था कि स्वरों को पक्का कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया था इस चीज़ का सॉल्यूशन कि अगर आप धीमे धीमे स्वरों को लगाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके गले में बैठ जाते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं। तो वही जवाब इस सवाल का भी है कि अगर कम लय में अलंकारों का रियाज हो तो गले में स्वर बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फकत सिर्फ कम लय में ही रियाज करना है, नहीं, लय अलग 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 होनी चाहिए, लेकिन टाइम डिवीजन आपको करना है। जैसे कि मैं बताऊं तो कभी कभार जो मैं करता हूं कि 10 मिनट हमने 30 के टेम्पो पे, है ना, 30 का टेम्पो मिनिमम। जैसे कि अगर मैं 30 का टेम्पो आपको बताऊं तो क्या हो सकता है, सा रे ग, ये होता है। लेकिन इसमें करता हूँ, फिर 10 मिनट इसमें किया, फिर इसकी डबल, फिर इसकी ट्रिपल, फिर इसकी क्वाड्रपल यानी चौगुन, है ना, फिर 6 गुन 5 गुन जो भी है वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आप अगर शुरुआती अभी रियाज कर रहे हैं तो आपको रियाज जब करना चाहिए तो अलंकारों को ऐसे शुरू करें कि एक स्वर के बाद 3-3 मात्रा का गैप दें ताकि वो टोटल 4 बीट्स हो गए। कैसे? सा रे। लेकिन इनमें झटका नहीं देना है कि सा रे, ये बिल्कुल नहीं करना है। 4 मात्रा तक उसको एक्सटेंड करना है, लंबा चलाना है, है ना, सा रे ग म। इस लय में पहले आप जाएंगे, फिर इसकी डबल, यानी कि ये तो हो गई आप 1/4 समझ लीजिए, है ना, जो सिंगल लय है। सिंगल जो लय चल रही है वो 1 2 ये चल रही है ना, ये हमारी ठाह चल रही है। तो हम इसकी 1/4 से शुरू करते हैं, 7 2 3 4 ऐसे करके पूरा अलंकार गाया, आकार में, स्वर में। फिर इसका दोगुना करते हैं तो वो कितना हो जाता है, यानी कि आधा, है ना, 1/2, यानी सा रे ग म, एक एक गैप देते हुए, लेकिन झटका नहीं देना है, सा रे ग म प, ऐसे जाना है ना, बिना झटका दिए। फिर सिंगल पे आइए, सा रे ग म प धा, फिर दुगना कीजिए, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, तिगुना कीजिए, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, चौगुना, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, है ना, छगुना, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, अठगुना, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ऐसे धीरे धीरे हमें गति बढ़ानी है, एक एक लय को वक्त देते हुए।
10-5 मिनट देते हुए एक लय में फिर अगली लय में बढ़ना है। ऐसे हमें अलंकारों का रियाज करना है, कम लय से शुरुआत होते हुए फिर बढ़त करते हुए, इजाफा करते हुए लय में आगे बढ़ते हुए। ये है तरीका अलंकारों के रियाज करने का, है ना। हमें एक लय पकड़ के बस ये नहीं कि तेज करना है तो गले में तेज बिठाना है तो बस भर लेके निकल पड़े सारे गामा पा धा सानी दबा मगर से शुरू हुआ, नहीं। धीरे 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 अगर शुरुआत हो तो वो धीरे धीरे गले में बैठता है। आप एकदम से तेज लय में करेंगे तो स्वर नहीं बैठेंगे, पहले कम लय में ही अभ्यास होता है अलंकारों का, फिर धीरे धीरे लय बढ़ाई जाती है, है ना। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि सारी लयों में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेज या सिर्फ कम या बहुत ज़्यादा कम सिर्फ उसी में हो रहा है, नहीं। बराबरी हर लय को उतना ही वक्त देते हुए करिए, ठा दुगुन चौगुन करते हुए करिए, तो लय का भी अभ्यास होगा, अलंकारों का भी रियाज होगा, ठीक है। तो बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था और मैंने बताया है, अब निर्भर करता है आप रियाज करें और तभी इजाफा होगा, तभी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस छोटी सी टिप को अपने साथ रखें और रियाज करें। शुक्रिया।